नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पांडे एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल देखो भारत में। आज हम आपको LIC की एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी जिसका नाम है जीवन लक्ष्य, जिसका टेबल नंबर है 833 बताएंगे। इसके इसी पॉलिसी को जो आपको पहले लोगों ने बताया है उसको कन्यादान पॉलिसी के रूप में बताया है, इसलिए हम इसे कन्यादान पॉलिसी बोल सकते हैं। और इस पॉलिसी LIC की बहुत शानदार पॉलिसी है। इस पॉलिसी में क्या खासियत है ये आपको मैं बताता हूँ। इसमें जो है एंट्री एज है, अगर आप बीमा कराना चाहते हैं तो इसकी एज है 18 से 50 के बीच से 30 से करा सकता है। और इसकी जो टर्म है, जितने साल आप ले सकते हैं, वो 13 से 25 साल तक के लिए पॉलिसी ली जा सकती है। और इसमें जो है मिनिमम समय सोड, यानी मिनिमम समय सोड कितना बीमाधन लिया जा सकता है, मिनिमम 1,00,000 का बीमाधन मिनिमम लिया जा सकता है। और मैक्सिमम समय सोड इसका नो लिमिट है, यानी कितना भी ले सकते हैं। इसमें कुछ भ्रांतियां पैदा हो गई थी इसके डेट बेनिफिट में, जो मैं इसके आगे आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए आप उदाहरण के लिए आप 5,00,000 का बीमा लेते हैं और उसमें जो है आपकी एज है 30 साल, 30 साल की उम्र में अगर आप अपने बच्चे की शादी के लिए मान लो 21 साल का टर्म लेते हैं, तो आपको PPT यानी पैसा जो भरना पड़ेगा उसकी उम्र से 18 वर्ष तक पैसा जमा होगा। पॉलिसी 21 वर्ष की है, 30 साल की लेने वाले की एज है और 18 साल पैसे जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए हम अगर 5,00,000 की पॉलिसी का उदाहरण देखते हैं तो समय सोड 5,00,000 रुपए है। और अगर आप इसमें एडिशनल आदमी डिस्कवर करना चाहते हैं तो आप जो है टर्म राइडर ले सकते हैं, जो जिसमें प्लस 5,00,000 और बढ़ जाता है। इसके आगे मैं इसको उदाहरण बताऊंगा। अगर आप 5,00,000 की पॉलिसी लेते हैं तो आपकी डेट बेनिफिट होता है वो 5,00,000 का होता है। और टर्म राइडर के साथ लेते हैं अगर 5,00,000 की पॉलिसी, तो टर्म राइडर भी 5,00,000 का होता है, जो आपकी मृत्यु के तुरंत बाद दे दिया जाता है। और डेट समय स्रोत भी जो होता है 110% के करीब होता है, इसलिए यह 5,50,000 होता है। और बेसिक समय स्रोत आपका 5,00,000 होता है। और जो है इसमें खासियत होती है सरेंडर वैल्यू जो है आपकी 3 वर्ष बाद आप सरेंडर भी कर सकते हैं, और लोन लेना चाहते हैं तो आप 3 वर्ष बाद लोन भी ले सकते हैं। अगर आपकी एज 30 साल है और आप अगर 21 साल का प्लान ले रहे हैं तो आपको पैसे 18 साल जमा करना है, जिसमें आपकी किस्त सालाना 28,558 आएगी। अगर आप हाफ ईयरली जमा करना चाहते हैं तो 14,429 रुपये आएगी। और अगर क्वार्टरली जमा करना चाहते हैं तो 7,290 रुपये 3 महीने के जमा कर सकते हैं। और आप मंथली अगर बैंक खाते से कटवाना चाहते हैं तो 2,430 रुपये कटवा सकते हैं, जो दिन के या डेली के 78 रुपये रोज से ये पॉलिसी पड़ती है। आपकी इस पॉलिसी के अंदर में कुल जमा होंगे 5,03,589 रुपये। और इसकी मैच्योरिटी जब होगी तो उसमें आपको 10,64,000 रुपये प्राप्त होंगे। अब मैं इसका उदाहरण आपको पीछे बताता हूँ, जो डेट बेनिफिट में जो लोगों को प्रॉब्लम जा रहा है और वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें 2 प्रकार से डेट बेनिफिट मिलेंगे, जो मैं इसको आपको बताता हूँ। जीवन लक्ष्य पॉलिसी में जो इसकी डेट बेनिफिट एंड मैच्योरिटी सबसे विशेष ध्यान देने योग्य है कि अगर आप इसमें 2 प्रकार से पेमेंट ले सकते हैं मृत्यु में, एक तो है टर्म राइडर के साथ, दूसरा टर्म राइडर के बिना। इसके जो मैंने आपको बताया हूँ कि ये 30 साल है, 5,00,000 का बीमा है, टर्म 21 साल का है, पैसे 18 साल जमा करना है, 21 साल में इसकी मैच्योरिटी होगी। लेकिन इसे आप 2 प्रकार से ले सकते हैं, एक तो टर्म राइडर के साथ, दूसरा टर्म राइडर के बिना। अगर मान लीजिए आप 5,00,000 की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 5,00,000 का टर्म राइडर मिल जाता है। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि अगर आपकी मान लीजिए भगवान न करे मृत्यु हो जाती है तो इसमें क्या डेट बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसमें क्या है, टर्म राइडर के साथ और टर्म राइडर के बिना दो प्रकार से आप ले सकते हो। तो टर्म राइडर के साथ क्या होगा कि टर्म राइडर के साथ मान लीजिए आपकी आज से बीमा चालू हुआ तो आपकी मृत्यु मान लीजिए तीन वर्ष के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती तो क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर टर्म राइडर आपने लिया है तो आपकी मृत्यु होते से ही आपको तत्काल 5,00,000 रुपये दे दिए जाएंगे, आगे की किस्त पूरी माफ हो जाएगी। और आपको अगले वर्ष से जिस वर्ष से आपकी मृत्यु हुई है उसके अगले वर्ष से बीमा धन का 10% प्रत्येक वर्ष आपको पूरे 21 वर्ष तक के प्राप्त होगा। यानी मान लो 3 साल घटा दी जाए तो 18 वर्ष तक के आपको इसका समय स्रोत का 10% यानी कि 50,000 रुपये वर्ष से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लीजिए आपकी आप ये बीमा लेते हैं और आपकी मृत्यु 3 वर्ष बाद हो जाती है तो जिसके जो इसमें नामित व्यक्ति रहेगा
उसको टर्म राइडर के साथ अगर आप लेते हैं तो यहाँ आपको पांच तुरंत मृत्यु के उपरांत 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, आगे की प्रीमियम पूरी माफ कर दी जाती है, और प्रतिवर्ष समय शुल्क का 10%, ये 50,000 रुपए आपको प्रतिवर्ष 21 साल तक यानी 18 साल तक और मिलते रहेंगे। साथ में मैच्योरिटी पर आपको 10,64,000 यानी कि समय शुल्क 5 लाख रुपए, बोनस 5,14,500 रुपए, फाइनल एडिशन बोनस 50,000, ऐसा मिला के 10,64,000 रुपए मिलेगा। लेकिन अगर आप टर्म राइडर के बिना इस पॉलिसी को लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट प्राप्त नहीं होता है, यानी कि उसमें आपको ये मृत्यु पर जो 5 लाख रुपए मिल रहे हैं ये नहीं मिलेंगे, और बाकी जो सब बेनिफिट सब मिलेगा, आपको आगे की प्रीमियम पूरी माफ कर दी जाएगी, साथ में प्रतिवर्ष समय शुल्क का 50,000 भी मिलता रहेगा, और मैच्योरिटी पर 10,64,500 रुपए भी मिलेंगे। बस यहाँ पर देखने की बात यह है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो सोच समझ के लें कि जो आप जो पॉलिसी ले रहे हैं 5 लाख की, इसमें उतने ही 5 ही लाख का टर्म राइडर प्राप्त होता है, जिससे आपकी मृत्यु होती है उसी वक्त तत्काल 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, और अगर आप टर्म राइडर नहीं लेते हैं, टर्म राइडर के बिना लेते हैं, तो आपको ये 5 लाख रुपए प्राप्त नहीं होते हैं। आगे की जो है जो इसमें सब बराबर वैसे मिलता है जैसा कि इसमें मिल रहा है। आगे में आपको प्रीमियम जो है पूरी माफ कर दी जाती है, 3 साल मान लें जब 3 साल बाद मृत्यु हो जाती है तो आगे की पूरी प्रीमियम माफ हो जाती है। यानी कि इस प्रकार आपको जब अगर 5 लाख का बीमा लेते हैं और अगर आपको तत्काल जो मृत्यु पर 5 लाख की सुविधा चाहिए तो आपको टर्म राइडर के साथ बीमा लेना पड़ेगा, और अगर आप टर्म राइडर के साथ नहीं लेते तो ये आपको तत्काल वाले 5 लाख नहीं मिलेंगे, और बाकी बेनिफिट्स वैसे ही मिलेंगे जैसे होंगे, चाहे आपकी 3 वर्ष में मृत्यु हो, चाहे 5 में हो, या बीच में कभी भी हो जाए, जितने भी वर्ष बचे रहेंगे वो वहाँ पर आपको समय शुल्क का 10% उतने साल तक दे दिया जाएगा, और आगे की प्रीमियम भी नहीं जमा करना पड़ेगा, और साथ में मैच्योरिटी पे जितना बेनिफिट जमा करने के बाद मिलता है उतना जमा करने के बाद मिलेगा। मान लीजिए आप टर्म राइडर के साथ इस बीमे को लेते हैं तो आपको कुल कितनी रकम मिलेगी, जैसे कि आप अगर 5 लाख का बीमा टर्म राइडर के साथ लेते हैं तो आपको आपकी मृत्यु 3 वर्ष में हो जाती है तो आपको 5 लाख रुपये तत्काल प्राप्त हो जाएगा, साथ में 50,000 रुपये 18 वर्ष तक के प्राप्त मिलते रहेंगे, हर प्रतिवर्ष 18 आपके 50,000 मिलते रहेंगे। इस प्रकार आपको कितना पैसा मिलेगा, मान लीजिए 3 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है तो आपको 5 लाख रुपये तत्काल प्राप्त हो जाते हैं, और 18 वर्ष में 50,000 रुपये साल के हिसाब से 9 लाख रुपये ये मिल जाता है, और आपको 10,64,000 रुपये जो है मैच्योरिटी पे मिलने वाली रकम वो भी मिलती है बिना प्रीमियम जमा किए, जो आपकी बच्ची के शादी के काम आ सकती है, एजुकेशन के काम आ सकती है, और इसी प्रकार आपको 24,64,000 रुपये प्राप्त होते हैं। कृपया दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अधिक से अधिक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें, जिससे ये पॉलिसी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।